अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह एक नोमेकल सॉल्व करेंगे टू कैलकुलेट द यील्डिंग स्ट्रेंथ द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ एंड द ब्लॉक शेयर फ्लेवर ऑफ अ टेंशन ऑफ अ टेंशन मेंबर ठीक है एक्चुअली हमने यील्डिंग स्ट्रेंथ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ और ब्लॉक शेयर फ्लेवर के बारे में प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा है इन लेक्चर नंबर सेवन पार्ट वन एंड टू में आप उसको डिटेल में देख सकते हो ठीक है और उनके लिए कौन कौन से इक्वेशंस है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो नाउ कमिंग टू दिस एग्जांपल टू पॉइंट फोर ठीक है इस एग्जांपल में एक्चुअली हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ठीक है जस्ट हम कैपेसिटीज फाइंड कर रहे हैं वी आर नॉट डिज़ाइनिंग द मेंबर्स ठीक है हम मेंबर की डिजाइनिंग नहीं कर रहे जस्ट हम उसकी कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं और यू कैन से एनालिसिस कर रहे हैं ठीक so, uh, 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 है सो हियर वी हैव यूजिंग एल आर एफ डी प्रोसीजर इन्वेस्टिगेट द शेयर रेपचर फेलेवर ऑफ मूड फॉर द एंगल एल वन जीरो टू मल्टीप्लाई बाई वन जीरो टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स पॉइंट फोर ठीक है जो कि अटैच है विद विद्री ट्वेंटी मिलीमीटर डायमीटर रेवेट्स ठीक है किस चीज़ के साथ अटैच है गसेट प्लेट के साथ अटैच है जिसकी uh, जो थिकनेस है वो है टेन मिलीमीटर mm. ठीक है एंड सिमिलरली जो हमारे पास डायमीटर ऑफ द बॉर्ड्स है वो कितनी है ट्वेंटी मिलीमीटर mm, कितने बॉर्ड्स है थ्री बॉल्ड्स है ठीक है एंड कौन सा स्टील इस्तेमाल हुआ है द मटेरियल दैट देट इज़ बीइंग यूज्ड हियर इज ए थर्टी सिक्स स्टील ठीक है अब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हमें गिवन है ठीक है वो गिवन डेटा आप ज़रा कलेक्ट कर लें नंबर वन हमें गिवन है कि एक एंगल सेक्शन है और uh, वो एंगल सेक्शन कौन सा है एल वन जीरो टू मल्टीप्लाई बाई वन जीरो टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स पॉइंट फोर ठीक है सिमिलरली ये भी हमें गिवन है कि तीन बोर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जॉइंट बनाने के लिए और एक एक जो रिविड सॉरी और एक एक रिविड की डायमीटर कितनी है ट्वेंटी मिलीमीटर mm है और ये कनेक्शन बिटवीन द एंगल सेक्शन एंड गसेट प्लेट ठीक है इन रिविड्स के ज़रिए से बनाया गया है ठीक है और गसेट प्लेट की थिकनेस गिवन है टेन मिलीमीटर ठीक है कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ए थर्टी सिक्स टील इस्तेमाल हुआ है ठीक है नाउ कमिंग टू द फिगर स्ट्रेट अवे आप इस फिगर को देख लें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है देर एक एंगल सेक्शन है ठीक है जो कि एक गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है दिस इज देर एंगल सेक्शन गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है अब इस एंगल सेक्शन पे एक टेंसाइल लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है जिसकी वजह से इसमें फ्लेवर काज होगा सो आइदर दिस फ्लेवर विल बी द yielding failure, फ्रैक्चर failure, or ब्लॉक शेयर failure. जो इस फिगर में आपको शो किया गया है ये पूरा ब्लॉक यहाँ से सेपरेट हो रहा है सो so ये ब्लॉक शेयर फ्लेवर है ठीक है जी अब ये फिगर आपको बार बार यहाँ पे वापस आना पड़ेगा इस मेरिकल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं फॉर द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। तो यील्डिंग कैपेसिटी व्हाट डज इट मीन बाय कैपेसिटी स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इज एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर स्ट्रेंथ हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था नॉमिनल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय टी एन और अगर हम नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द यील्डिंग की बात करें ठीक है तो एफ वाई इंटू ए जी के बराबर होता है एफ वाई इंटू ए जी के बराबर होता है अगर हम नॉमिनल स्ट्रेंथ के साथ फाइव मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाता है इससे दिस इज़ डिज़ाइन स्ट्रेंथ नाउ ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ सिमिलरली यहाँ पे भी फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस इज़ फाइव फॉर टेंशन दिस इज़ फाइव फॉर टेंशन ठीक है अब आप जरा इस इक्वेशन पे गौर कर ले इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाता है फाइव टी एफ वाई इंटू ए जी दिस इज़ अ टोटल इक्वेशन सो यहाँ पे आप देखें यही चीज़ है कि नहीं है सेम थिंग है कि नहीं ये फाइव टी एफ वाई इंटू ए जी ठीक है t, ag, अच्छा यहाँ पे फाई टी इस्तेमाल हुआ है फाइ टी फॉर द यील्डिंग इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट नाइन प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुका हूँ एफ वाई इज इक्वल टू टू फिफ्टी ठीक है ये भी मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ ए जी हमारे पास ग्रॉस एरिया ऑफ द मेंबर है सो so, यहाँ पे आप ग्रॉस एरिया पे ज़रा आ जाए आपको मैं स्क्रीनशॉट में ज़रा दिखा देता हूँ ये हमारे पास एल आर एफ डी डिज़ाइन एड का पेज नंबर फिफ्टी एट है ठीक है पेज नंबर फिफ्टी एट है यू कैन सी दिस इज़ पेज नंबर फिफ्टी एट मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ दिस इज़ पेज नंबर फिफ्टी एट ठीक है यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो एंगल सेक्शन है सारे के सारे ठीक है सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे एंगल सेक्शंस गिवन है अब देखिए एंगल सेक्शन हमारे पास जो नोमरिकल में गिवन है वो कौन सा है एल वन जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई वन जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई नाट नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स पॉइंट फोर ठीक है इसको ज़रा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ दिस थिंग एल वन ज़ीरो टू मल्टीप्लाईड बाई वन ज़ीरो टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स पॉइंट फोर ठीक है अब देखें मुझे क्या चाहिए इसमें हमें यहाँ पे एरिया चाहिए ठीक है सो आप जरा यहाँ पे आ जाए एरिया पे इसी सेक्शन का एरिया हमारे पास कहाँ पे गिवन है ये सेक्शन है दिस इज दैट सेक्शन यहाँ पे सिक्स पॉइंट फोर एरिया हमारे पास इस कॉलम में गिवन है ठीक है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एरिया इन मिलीमीटर स्क्वेयर तो सिक्स पॉइंट फोर के सामने कौन सा एरिया होगा दिस इज दैट एरिया तो ट्वेल्व फिफ्टी इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर दैट मेम्बर ठीक है जो कि यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें थिकनेस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो तो स्ट्रेट अवे आपको पता है सिक्स पॉइंट फोर इज़ द थिकनेस ऑफ द मेंबर ठीक है जो हमारे पास एक लेग है उसका लेंथ वन जीरो टू दूसरे का वन ज़ीरो टू और थिकनेस सिक्स पॉइंट फोर है लेकिन सिमिलरलीज थिकनेस हमारे पास यहाँ पे आ, शो भी होगा फॉर अदर मम्बर्स ठीक है इसके लिए हमारे पास थिकनेस शो तो नहीं हुआ ठीक है सो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट क्लियर अब देखिए वापस हम नुमेरिकल आई थिंक आपने वो नोट कर लिया है ट्वेल्व फिफ्टी कहाँ से आया पेज नंबर फिफ्टी एट ऑफ द एल आर एफ डी डिज़ाइन एट ठीक है अब टू फिफ्टी कहाँ से आया ठीक है ये मैं आपको ज़रा वहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे आप नोट कर लें फॉर ए थर्टी सिक्स टील ए थर्टी सिक्स टील के लिए हमारे पास एफ वाई कितना है टू फिफ्टी या टू टू uh, ट्वेंटी तक हो सकता है ठीक है सो टू फिफ्टी हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है एंड एफ़ यू ये भी अब हम यूज़ करेंगे वो कितना है फोर हंड्रेड सो एफ़ वाई इज गिवन ठीक है यहाँ पे देख लें एफ यू इज गिवन और दोनों की यूनिट हमारे पास मेगा पास्कल है और यू कैन से मेगा न्यूटन से ठीक है अब वापस आप अपने मेरे पे आ जाए अब ये सारे वेल्यूज़ जो हमने एल आर एफ डी डिज़ाइन एड से ले लिए हैं वो आप यहाँ पे पुट कर ले टू फिफ्टी ट्वेल्व ट्वेल्व फिफ्टी एंड डिवाइड बाई थाउजेंड एज फोर के हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लें सो दिस इज़ दैट यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ द मेम्बर ठीक है आसानी से फाइंड आउट हो गया हमें यहाँ पर क्या चीज़ सिर्फ फाइंड करनी है फ़ाई टी एन फाइन करना ठीक है सिमिलरली फाई टी एन फॉर फ्रैक्चर ठीक है वो किस चीज़ के बराबर है फाइ टी एफ यू इंटू ए ई ठीक है इफ़ेक्टिव एरिया नॉट ग्रॉस एरिया दिस टाइम ठीक है तो हमें फाइ टी तो पता है जीरो पॉइंट सेवन फाइव है फॉर फ्रैक्चर फॉर योग जीरो पॉइंट नाइन ठीक है एफ यू अभी मैंने आपको बता दिया है दिस इज़ फोर हंड्रेड ठीक है ज़ीरो पॉइंट सिक्स क्या चीज़ है और ये बाकी इक्वेशन क्या सी सॉ कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली जब हम इफेक्टिव एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ इज एक्चुअली इक्वल टू आर इन यू इन ए जी ठीक है जनाब सो so यहाँ पे हम यू की वैल्यू स्ट्रेट अवे फ्रॉम एल आर एफ डी डिजाइन एड ले रहे हैं जीरो पॉइंट सिक्स कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ और आर की वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं है आर की वैल्यू तो आर की और आर इंटू ए जी के बजाय हमने यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट कर लिए और वह मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह ये आता है इससे ठीक है so, सो आर इंटू ए जी की जगह हमने ए एन की वैल्यू पुट कर दी है अब यहाँ पे देखें ए एन किस तरह कैलकुलेट हुआ है दिस इज ग्रॉस एरिया माइनस डी प्लस थ्री इंटू तेक्नेस की, की तरीके से हमें फाइंड हुआ है तो ये फार्मूला मैं आपको ज़रा यहाँ पर लिख देता हूँ ए एन हमारे पास किस चीज के बराबर होता है ए जी माइनस डी प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई सो फार्मूले में हमारे पास थिकनेस है ठीक है वो आप यहाँ पे करूँ सो so, डी अब कहा किस चीज के बराबर है ट्वेंटी के बराबर है ऑलरेडी गेवन डेटा में आपको मैं बता चुका हूँ ठीक है सिक्स पॉइंट फोर इज द थिकनेस ऑलरेडी मैं आपको एलआरएफटी डिज़ाइन एयर में बता चुका हूँ जीरो पॉइंट सिक्स कहाँ से आया ठीक है ये मैं आपको ज़रा मैनुअल में बता देता हूँ अब हम पेज नंबर नाइन्टी एट पर आ चुके हैं फ्रॉम एल आर एफ डी डिज़ाइन एड सो ही यू कैन सी ऊपर क्या लिखा है दिस इज़ अप्रोक्सीमेट शेयर लेग फैक्टर यू की वैल्यूज़ हैं ठीक है ठीके? अब देखिए सारा हमारे पास सारे कंडीशंस गिवन है जो कि ऑलरेडी हम Uh, जब हम शेयर लेग फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने उस ट्यूटोरियल में ये सब कुछ कवर कर दिया है ठीक है मैं स्ट्रेट अवे इसकी डिज़ायर वैल्यू पे आ जाता हूँ यहाँ पे हमें गिवन है इन के दैट सिंगल एंगल और डबल एंगल सेक्शन ठीक है जिसमें कितने बोर्ड्स लगे हों टू और थ्री बोर्ड्स लगे हों ठीक है और बाकी कंडीशन कोई नहीं है इसके लिए ठीक है और उसकी वैल्यू कितनी होगी फिर जीरो पॉइंट सिक्स वैल्यू होगी फॉर द यू तो यहाँ पे आप देखें ये सारे यू की वैल्यूज़ है तो ये हमारे पास यू की वैल्यू हो गई है टू और थ्री बोर्ड्स तो वहाँ पे कितने बोर्ड्स है थ्री बोर्ड्स है और वैल्यू कितनी होगी जीरो पॉइंट सिक्स वाई थ्री बोर्ड्स एंड सिंगल एंगल और डबल एंगल तो वहाँ पे सिंगल एंगल है ठीक है जी सो so, अब उसी वैल्यू को आप यहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हो जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है बाकी इक्वेशन आप सिर्फ सॉल्व करोगे कैलकुलेशन है सो फाइ टी एफ यू ए की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो वन नाइन्टी एट पॉइंट फाइव किलो न्यूटन है ठीक है सो यू कैन से दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इन फ्रैक्चर दिस इज़ द स्ट्रेंथ आर कैपेसिटी ऑफ द मेंबर इन यील्डिंग नाउ अब uh, इसके बाद हम ब्लॉक शेयर फ्लेवर पे आते हैं सो दिए यू को ब्लॉक शेयर फ्लेवर के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं एक इक्वेशन ये है और दूसरा हमारे पास ये इक्वेशन है ठीक है इन दोनों इक्वेशन में हमें एफ वाई ग्रॉस एरिया एंड शेयर एंड एफ यू एंड नेट एरिया एंड टेंशन इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है एंड नेट एरिया इन शेयर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है so, सो यहाँ पे आप देखें ये वो कैलकुलेशन है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए ठीक है ए जी वी ग्रॉस एरिया इन शेयर ठीक है, नेट एरिया इन शेयर नेट एरिया इन टेंशन ये वैल्यूज मुझे चाहिए तो यहां पे फिगर पे आप आ जाओ जरा तेयो जब आप इस तरह से टेंशन अप्लाई करोगे तो कौन सा साइड हमारे पास टेंशन में आएगा डेफिनेटली बी सी साइड हमारे पास टेंशन में आएगा और ए बी साइड हमारे पास शेयर में आएगा ठीक है सो इसका एरिया बी सी साइड का एरिया हम नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे सो so वो कितना एरिया हो जाएगा कौन सा एरिया हो जाएगा ए एन टी के बराबर हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ए एन टी आपको कैलकुलेट के बताता हूँ ठीक है कैसे इसका पहले आप ग्रोस एरिया ले लो ग्रॉस एरिया हमारे पास इंटेंशन कितना है ए जी इंटेंशन कितना है सिंपल यहाँ पे आप देखें थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय थर्टी एट लेंथ हमारे पास है थर्टी एट ठीक है और थिकनेस हमारे पास यहाँ पे इस एंगल सेक्शन की कितनी है सिक्स पॉइंट फोर सो थर्टी एट बाय 6.4 सिक्स पॉइंट फोर से हमारे पास क्या चीज आ जाएगा ग्रॉस एरिया इन टेंशन ग्रॉस एरिया इन टेंशन अब इससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू मैं आपको बाद में बताता हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे ग्रॉस एरिया इंटेंशन की वीडियो पुट कर रहा हूँ अच्छा इसके बाद हम नेट एरिया फाइंड आउट कर रहे तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ नेट एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस डी प्लस थ्री इंटू तेकनेस इंटू थिकनेस दिस इज देट फार्मूला तो ग्रॉस एरिया तो मैं आपको बता चुका हूँ थर्टी एट मल्टीप्लाई बाई सिक्स पॉइंट फोर डी हमारे पास कितना है दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी मिलीमीटर mm, वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा में गिवन है थिकनेस हमारे पास कितना है दिस इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर एंगल प्लेट का हमारे पास एंगल का हमारे पास कितना थिकनेस है सिक्स पॉइंट फोर अच्छा तो यहाँ पर एक और टर्म होता है एन ठीक है एन इज़ द नंबर ऑफ बोर्ड्स तो यहाँ पर आप जरा देखिए नंबर ऑफ बोर्ड्स हमारे पास कितने हैं ठीक है ठीके? ये मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ लेकिन फिर आपको बता देता हूँ द सिचुएशन इज़ लाइक कि ये हमारे पास बोल्ट है और ये हमारे पास जो साइड है बी सी साइड है और ये हमारे पास पूरा का पूरा ब्लॉक फेल हो रहा है मैंने सिर्फ ये जो इन सर्कल एरिया है उसको शो कर दिया है ठीक है अच्छा ये हमारे पास सी और बी साइड है जो कि टेंशन में है अब यू कैन से कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ बोर्ड्स होंगे ठीक है सो द नंबर ऑफ़ बोर्ड्स हेयर इज जस्ट हमारे पास ये है मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ जस्ट ये है तो ये पूरा बोल्ट भी नहीं है हाफ़ बोल्ट है ठीक है सिर्फ ये हिस्सा है ठीक है हाफ बोल्ट सो so, एन हमारे पास एक्चुअली कि, किस चीज़ के बराबर है जीरो पॉइंट फाइव के बराबर है ठीक है सो इसका आप प्रॉपर वैल्यू आप ज़रा देख लें यहाँ पे नेट एरिया एंड टेंशन ये हमारे पास किस चीज़ से आया थर्टी एट मल्टीप्लाई बाई सिक्स पॉइंट फोर से ये नंबर ऑफ बॉर्ड है जीरो पॉइंट फाइव ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई थ्री ट्वेंटी इज द डाया ऑफ द बॉर्ड एंड सिक्स पॉइंट फोर इज थिकनेस डे यू गो नेट एरिया इन टेंशन अब देखें नेट एरिया इन इन शेयर की बात करते हैं ठीक है so, सो पहले आप ग्रोस एरिया इन शेयर आप देख लें सो so, कौन सा साइड हमारे पास शेयर में है ए बी साइड इज इन शेयर ठीक है ए बी साइड हमारे पास शेयर में है तो ए बी साइड की अगर पूरी मैग्निफाइड फॉर्म में मैं आपको ड्रा कर लूँ ये इन सर्कल एरिया तो ये एक बोल्ट है ये एक बोल्ट है ठीक है ऐसे हमारे पास ब्लॉक बन रहा है ठीक है एंड दिस इज द साइड ए बी ठीक है जनाब अब देखें इसमें हम एन कितना लें बाकी तो आपको पता है ग्रॉस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप जस्ट थर्टी एट प्लस सेवेंटी सिक्स प्लस सेवेंटी सिक्स ये हमारे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस सिक्स पॉइंट फोर तो इससे आपके पास ग्रॉस एरिया आ जाएगा नेट एरिया के लिए नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होंगे तो यहाँ पे आप ज़रा देख लें कि ये पूरा बोल्ट आ रहा है डाया ऑफ द बोल्ट पूरा है ठीक है सो एक बोल्ट हुआ हाफ बॉल्टे हाफ बॉल्ट ही कितने बोल्ट हो गए दो बॉल्ट हो गए टोटल ठीक है पूरा बोल्ट हाफ हाफ दो बोल्ट हो गए तो इन हमारे पास इस केस में कितना होगा टू होगा बाकी फार्मूला सेम है तो यहाँ पे आप आ जाओ ग्रॉस एरिया मैं आपको बता चुका हूँ इन शेयर कितना होगा सेवेंटी सिक्स सेवनटी सिक्स प्लस थर्टी एट मल्टीप्लाई बाई सिक्स पॉइंट फोर ठीक है अब देखें नेट एरिया इन शेयर तो ग्रॉस एरिया हमारे पास आ गया ट्वेल्व सिक्सटीन ग्रॉस एरिया से आप क्या माइनस करोगे नंबर ऑफ बोल्ट टू पॉइंट फाइव ठीक है इस केस में मेरे ख्याल से मैंने ये डायग्राम थोड़ा अच्छी तरह हाँ 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 सो so, यहाँ पे डायग्राम में मुझे थोड़ी गलती हो गई है यहाँ पे ये डायग्राम एक्चुअली ऐसे बनता है दिस इज़ नॉट टू पॉइंट फाइव दिस इज़ टू ये डायग्राम यहाँ से थोड़ा क्रॉस हो रहा है ठीक है so, सो ये भी पूरा बोल्ट आ रहा है ये भी पूरा, ये, पूरा ये हाफ बोल्ट आ रहा है ठीक है सो टू पॉइंट फाइव इज एक्चुअली एन ठीक है यहाँ पे आप देखें टू पॉइंट फाइव एन हो गया डी हो गया थ्री अपना फार्मूले का एन सिक्स पॉइंट फोर हमारे पास तिकनेस है तो ये वैल्यू आ गई है अब इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना शुरू कर दो जीरो पॉइंट सिक्स अपनी जगह एफ यू हमारे पास कितना है फोर हंड्रेड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ नेट एरिया इन शेयर कितना है डी ए यू को ठीक है एंड सिमिलरली यू कितना है वन है बिकॉज वो दूसरा कंडीशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस ट्यूटोरियल पार्ट टू में तो उसमें हमारे पास ये लाई नहीं करता बीम्स uh, हमारे पास एक ही रॉ में लगे हैं ठीक है सो वन वेरियो होगी एफ यू हमारे पास कितना है अगेन दिस इज़ फोर हंड्रेड ए एन टी कितना है नेट एरिया इन टेंशन सो दे सिक्सटी नाइन तो सारे वैल्यूज़ आपने पुट कर दिए रही बात यहाँ पे फाई की ठीक है तो फाई हमारे पास कितना होगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव ब्लॉक शेयर फेलेवर के लिए और फ्रैक्चर के लिए ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव होगा यील्डिंग के लिए ज़ीरो पॉइंट नाइन होगा ये मैं बता चुका हूँ वाई डिवाइडेड बाई थाउजेंड यहाँ पे एफ यू की वैल्यू एफ यू की वैल्यू दोनों को हमने मेगा पासकल में पुट किया है तो इसको हमने किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड पे डिवाइड कर दिया है ठीक है सो आंसर हमारे पास किलो न्यूटन में आया ठीक है जी सो so ये एक इक्वेशन की बात हो रही है कौन सा इक्वेशन है ये दिस इज द ब्लॉक शेयर फेलेवर इन फ्रैक्चर ठीक है यहां पे आप देखें ब्लॉक शेयर फ्लेवर इन यील्डिंग उसकी इक्वेशन ये है तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव इज फाइव डिवाइड बाई था मेगा पासकर इन टू न्यूटन जीरो पॉइंट सिक्स इसी इक्वेशन का है एफ वाई इज टू फिफ्टी बता चुका हूं मैं अच्छा ए जी वी ग्रॉस एरिया इन शेयर तो यहाँ पे देखे ग्रॉस एरिया इन शेयर उसकी वैल्यू है ट्वेल्व सिक्सटीन ठीक है वो हमने यहाँ पे ट्वेल्व सिक्सटीन पुट कर दिए वाई वन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि द बीम्स आर इन वन रो वो दूसरी कंडीशन हमें बताई ही नहीं गई है एंड एफ यू इज़ फोर हंड्रेड एंड ए एन टी कितना है हमारे पास प्रीवियस स्लाइड पे आ जाओ ए एन टी इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन पॉइंट सिक्स मिलीमीटर अब देखें हमारे पास ये वैल्यू इतनी आती है ठीक है अब चार वैल्यू आपके पास आ गई है ब्लॉक शेयर फ्लेवर की दो वैल्यूज आ गई है एक वन एटी सेवन है दूसरा टू जीरो थ्री है ठीक है तो इन दोनों में तो वन एटी सेवन कम वैल्यू है तो फेलेवर के चांसेस कम वैल्यू पे ही होंगे जो एरिया कम होगा जो कैपीसिटी कम होगी तो वो फेल होगा ना जो स्ट्रेंथ कम होगा तो वही फेल होगा तो ब्लॉक शेयर फेलेवर में हमारे पास जो ज़्यादा रिस्की है वो कौन सा चीज़ है, है. तो ये तो वन एटी सेवन हो गया अब देखिए फ्रैक्चर में हमारे पास क्या सिचुएशन है वन नाइन्टी एट इज़ द सिचुएशन और वो हमारे पास है वन नाइन्टी एट फ्रैक्चर में ये फेल हो सकता है अच्छा यहाँ पर आप देखें फॉर यील्डिंग ये टू एटी वन पे फेल हो सकता है तो सबसे कम वैल्यू हमारे पास जो कैपेसिटी सबसे कम कैपेसिटी है वो ब्लॉक शेयर फ्लेवर इन यील्डिंग की वैल्यू है वो वन एटी सेवन है सो यू कैन से कि ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा रिस्की है और इस पे फेलेवर होने के चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा है सो यू कैन से कि ये जो मेंबर हमें गिवन है और जो इस पर कंडीशन हमें गिवन है इस केस में ये ब्लॉक शेयर फ्लेवर में ही फेल होने के चांसेस इसके ज़्यादा है बिकॉज़ ब्लॉक शेयर फ्लेवर का स्ट्रेंथ इसका सबसे कम है ठीक है जनाब आई थिंक दिस इज़ इनफ एंड आई होप ये नोमेरिकल और इसका ये जो प्रोसीजर है दिस विल हेल्प यू आउट इन फर्दर फ्यू नोमेरिकल्स ठीक है तो अब इसके बाद हम डिज़ाइन पर भी आएँगे और उसको भी डिटेल में करेंगे ठीक है फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टूटोरियल यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन एज़ वेल एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर